हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और हम लोग निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हमारी कार है एडिका, आप देख सकते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार हमें चाहिए। और ये यहाँ पे ये देख रहे हैं पीछे, ये यहाँ की नई मंडी है संडीला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही मैंगो यहाँ का बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आम होता है। तो इसलिए हम यहाँ से अपने जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं उनके लिए आम लेके जा रहे हैं। और इसी तरह हम आगे आपको सब कुछ बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। जैसे कि मेरा पहला है, अगर कुछ कमी बेसी हो तो बताइएगा, मैं आगे से और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। हेलो गाइस, जैसे कि आप लाइटिंग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ शाहबाद पहुँच रहे हैं। ये हरदोई से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, एक यही हरदोई डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा कस्बा है। और फिर इसके आगे हम लोग एक ढाबा पड़ेगा, शेरामाव ढाबा, वहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाएंगे सभी लोग, उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो हम लोगों का सफ़र जो है तकरीबन मान के चलिए आपका 85 किलोमीटर हो गया है। बाकी फिर आप लोग को हम अपडेट देते रहेंगे, हर चीज़ जो गांव शहर जो भी पड़ेगा उसको एक्सपोज करते रहेंगे। खाना वगैरह खा रही हैं और फिर इसके बाद जो है हम लोग खाना खा के फिर आपको बताएंगे कि हम लोग को कहाँ पहुँचना है, कहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप लेंगे। देखिए हमारा खाना आ चुका है, बहुत ही लजीज देखने में लग रहा है, अब खा के ही बताएंगे कि कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चावल आ चुके हैं, हम लोग चावल खाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ आगे का सफर तय करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हम लोग खाना खाने जा रहे हो, खाना वो वाकई में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बस बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, ये लखनऊ दिल्ली हाईवे है और हम लोग अब हाईवे पे आ गए हैं। अब यहाँ से इसका हमारा डायरेक्ट जो स्टॉप होगा बरेली या मुरादाबाद हो सकता है, वरना तो डायरेक्ट हम लोग लुधियाना में रुक जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं बरेली के पास, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाने जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रेस वगैरह होंगे जिसको भी होना होगा, तो उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। हम लोग तकरीबन चल गए हैं 200 किलोमीटर का, हमारा लोग का सफ़र तय हो चुका है। और आप लोग से उम्मीद यही करता हूँ कि मेरा ये पहला ब्लॉग होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये देखो गाइस सीएनजी पड़ रही है और थोड़ी हमारे यासीन भाई से हाय हाय हो गई है। सीएनजी वाले कह रहे हैं कि पहले गाड़ी खाली करवा रहे, गाड़ी तो वैसे भी खाली होती है, उसके बावजूद भी ये हाय हाय कर रहे हैं। देखिए हमारी गाड़ी बिल्कुल खाली है, कोई भी बंदा नहीं है, उसके बावजूद भी ये चिल्ला रहे हैं। पहुँच रहे हैं के पता चलता है, हमारे साथियों को ठंड लगने लगी, अभी से एसी बंद करवाने लगे हैं, गांव से बिलोंग करना इसीलिए बेचारे सूट नहीं करते एसी लोगों को।
आप देख सकते हैं ये फास्ट टैग है और यहाँ पर ट्रैफिक इतना है। तो फास्ट टैग होने का फ़ायदा क्या है देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। भाई ये फास्ट टैग है क्या है? आपको लगा फास्ट जी लगा फास्ट टैग तो पर इतना टाइम लगेगा फास्ट टैग में? कभी क्या आपका किससे बना है? जी सर गाड़ी नंबर आपका जो फास्ट टैग बना किस नंबर से बना? गाड़ी नंबर से? गाड़ी नंबर से नहीं है किससे? अरे 33 नंबर से आप बढ़ाइए। 33 नंबर से आगे बढ़ाओ। ठीक है अब ये पूछ रहा था गाड़ी नंबर से बना कि 33 नंबर से, इसको इतना ही नहीं पता है। चलिए गाइस तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अपना सफाई यूँ ही चालू रहेगा इंशाल्लाह। ये CNG स्टेशन है, यहाँ पे बस कार सभी में CNG फिलिंग होती है, यहाँ तक कि यहाँ से दूसरे स्टेशनों पे भी जाती है। और ये देखिए हमारे साथी सब फ्रेश होके आए हुए हैं और ये बस में CNG पड़ रही है तो ये अपने CNG पड़ने के बाद का वेट कर रहे हैं। भाई लोग कुछ बोलेंगे मेरी पब्लिक से? हेलो से हापुड़ समथिंग मान के चलिए गाइस होगा 100 किलोमीटर और हम लोग CNG डलवा चुके हैं और उसके बाद हापुड़ से हम लोग कट जाएंगे। और रोड देखिए कितनी शानदार बना रखी है दिल्ली जाने के लिए, बहुत ही प्यारी रोड है और ना ही इस पर कोई टूल टैक्स है, और जिन पर टूल टैक्स है वो बहुत बेकार रोड है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा अगर बहुत से भाई लोग को दिल्ली जाने लगे इस रोड से जाएँ, बढ़िया हाथ पैर चलते रहेंगे, मज़ा आएगा, एंजॉय करते जाएंगे, बहुत ही बेहतर रोड है, एक नंबर। हेलो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग हापुड़ बाईपास पे चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग को मिल जाएगा नोएडा वेस्टर्न हाईवे एक्सप्रेसवे, बहुत ही प्यारा रोड है, आगरा एक्सप्रेसवे से टक्कर लेता हुआ एक नंबर, बहुत ही प्यारा सफ़र हो रहा है हमारा लोग का। अभी तक हमारी लोग की गाड़ी चल चुकी है 413 किलोमीटर। गाड़ी में CNG भरवाई है और सुबह हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, बाकी आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। ये हमारे अनंत भाई हैं, ये हमारे आमिर भाई हैं। गुड मॉर्निंग हरियाणा, यहाँ से पानीपत रह गया 15 किलोमीटर
आप लोग देख सकते हैं सुबह हो गई है, बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही प्यारी सुबह की ताजी ताजी हवा मिल रही है हम लोगों को। हम लोगों ने तकरीबन 524 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया है और यहाँ से श्रीनगर बचा है 750 किलोमीटर। जैसे कि गए आप लोग देख सकते हैं हम लोग पानीपत सिटी क्रॉस कर रहे हैं और ये बहुत ही प्यारी सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये यहाँ पे बहुत ही कारोबार है लोगों के लिए, यहाँ पे गर्मी सिस्टम रहती है और मैं यहाँ इससे पहले काफ़ी बार आ चुका हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, हमारे यासिन भाई हैं, इनके नींद आ रही है, सो रहे हैं, कार में ड्राइव कर रहा हूँ। आपने जी चाय पिए सर? आपने चाय ओनली फॉर चाय इंटरेस्टिंग डोली राइट चॉइस या ये हम हैं, ये अनस भाई हैं और अनस भाई इतने गोरे आ रहे हैं। लुधियाना हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है गाइस, अब हम लोग जालंधर पहुंच रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है, उसके बाद रुक के वहीं पे चाय नाश्ता करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा ही हम लोग थक चुके हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, कहीं भी रुके नहीं हैं। अब गाड़ी हमारी चल चुकी है 798 यानी कि 800 किलोमीटर। तो देख सकते हैं ये पंजाब है कितना साफ़ और स्वच्छ है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए अब हम लोग पठानकोट पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने कमांडो मूवी देखी होगी उसमें कमांडो मूवी की शूटिंग हुई है पठानकोट में, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप सामने कितना प्यारा मौसम है। हम लोग पठानकोट यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है और देखो हमारे यासिन साहब ये बैठे हैं, देखो हम लोग को चाय नाश्ता कब कराएं, रात से भूखा मारे हैं। और हमारे ये देखिए फाइनली हमको लग रहा आ ही गया है बट लग नहीं रहा है कि सही साठ है, नहीं है ही नहीं, बढ़िया नहीं है। देखते हैं कहाँ हम लोग को चाय नाश्ता मिलता है। और सुबह का क्या बज रहा है, माशाल्लाह से 11 बज गया है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं हम लोग इस ढाबे पर रुके हैं, द पंजाबी ढाबा, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा, पनीर पराठा। आप खा के टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है, फिर आप लोग को बताएंगे। काफ़ी लेट हो गए हम लोग नाश्ता करने में। ये देखिए कुछ आइटम्स आ चुके हैं, यहाँ पे दही आ चुका है, अचार आ चुका है, बाकी पराठा आ रहा है। फाइनली पनीर पराठा आ चुका है और हमारे साथी बता रहे हैं कि इसमें बहुत दम है, यानी कि बहुत अच्छा है। अब हम भी इसको टेस्ट करते हैं, देखें खा के कैसा है।